नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दुबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित थे और उनके ठीक होने की संभावना भी नहीं थी। आपको बता दें कि नवाज शरीफ ने उन्हें सेना प्रमुख बनाया था, लेकिन मुशर्रफ ने उनकी सरकार को गिराकर लंबे वक्त तक बंदूक के दम पर शासन किया था। साल 2014 में कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई तो मुशर्रफ ने स्वास्थ्य का बहाना देकर विदेश भाग गए और उसके बाद पाकिस्तान कभी नहीं लौटे। जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख थे। माना जाता है कि उन्होंने कारगिल को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा था। 1999 में उस वक्त सैन्य तख्ता पलट करके बाद में उन्होंने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। 2007 में मुशर्रफ फिर चुनाव जीते थे, लेकिन इसमें भी धांधली के आरोप लगे थे। अहम बात यह है कि तानाशाह शासक को एक उदार शख्स के तौर पर पेश किया जाता रहा, लेकिन मुशर्रफ के शासन में ही पाकिस्तान की लाल मस्जिद में 105 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद मुशर्रफ शासन पर सवाल खड़े हुए तो देश में अचानक आपातकाल लगा दिया गया।